कैसे हो? हाँ तो भाई लोग, ये स्टोव सेट हो चुका है, तो वहाँ पे हमने कोल्ड ड्रिंक रख दी हुई है क्योंकि ठंडी रहेगी। और हमारी रसोई में आपका स्वागत है। हाँ, ये हमारी गांव की रसोई। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप सभी लोग हमेशा इधर रॉक कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका आज एक और नए व्लॉग में। अभी शाम के टाइम हो रहा है और ऑलमोस्ट 7:30 बजने वाले हैं, और अभी हम निकलते हैं एक राइड पे छोटी सी, मैं और शुभम भैया, और साथ में मैंने अपना स्टोव भी डाल दिया हुआ है क्योंकि जब पिछली बार हम गए थे मैगी बनाने तो शुभम भैया ने भी साथ में जाना था, बट उनको कोई काम पड़ गया था, वो जा नहीं पाए। तो वो मेरे को बोल रहे थे कि चलो चलते हैं आज, तो अभी हम जा रहे हैं। तो फाइनली दोस्तों अब निकल रहे हैं। बाइक मेरी ये लगी शुभम भैया की बाइक। ये भाई बड़ा लेट कराते हैं, इनको बोला 5 बजे जाना, आप 6:30 बजे हैं और अंधेरा देखो होने वाला। चलो चलो चलो, कोई चक्कर नहीं, जरूरी काम हो गया। भैया बोलते मैगी बनानी है, और ये पता नहीं कौन सी पतंजलि की मैगी लेके आए हैं जो पहली बार देखी मैंने, अगर स्वाद ही ना हुई तो इनको ही पकड़ना है, पैसे वापस कर दो। चलो चलो भाई लोग, निकल चुके हैं अभी हम, और शुभम भैया पीछे पीछे आ रहे हैं, और मैंने आज एक अच्छा काम कर लिया हुआ है कि मैंने प्लेन वाइजर डाल दिया हुआ है हेलमेट में, क्योंकि आपको पता ही है हर बार जब भी अंधेरा होता है। लो भाई यार, कैसे हो आप? ब्लॉग चल रहा है। क्या हाल है? ठीक हो? चल डाल दी को ला दे। चलो तो यार, एक छोटे छोटे सब्सक्राइबर हैं, जब भी मैं निकलता हूँ ब्लॉग शूट करने हर बारी मिलते हैं। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं, तो अभी ये पता नहीं कहाँ रह गए शुभम भैया और जी। चलो चलो नीचे, ऊपर में टाइम नहीं जाएगा, बढ़ नीचे चलो। तो पहले मैं तो सोच रहा था कि ऊपर वाली साइड जाएंगे, बट यार इन्होंने लेट इतना करवा दिया कि अब नीचे जाना पड़ेगा क्योंकि चिनाब दरिया थोड़ा पास है। भाई आज कल ना चलो लीन करते हुए डर ही लगता है, पीछे मेरा ही क्रैश हो गया था, मैंने गार्ड्स डाले मैंने अभी भी नहीं है, बट अभी कुछ सीन नहीं क्योंकि हम बिल्कुल स्लो ही चल रहे हैं, तो ना हमने ज़्यादा दूर जाना है, बस थोड़ा सा आगे थोड़ा सा रह गया, तो चिनाब दरिया आ भी जाएगा। ये दुनिया के हाईवे बन गए, इस जगह का रोड नहीं बना दिया। आज यार बाइक पे हाथ ही नहीं बैठ रहा, मतलब चला ही नहीं जा रही बिल्कुल भी। और व्यू चेक करो यार एक बार, यहाँ पे जब भी आते नहीं व्यू देख के मज़ा आता है। एक बार दूर चेक करो, मैंने अगर हेलमेट नहीं डाली होती मेरे जो काले बाल ना वो भी इसमें पूरे सफ़ेद सफ़ेद हो गए होते। मेरा प्लान था बिल्कुल आगे जाके करते, बट देखते हैं ना जाना। तो भैया बोल रहे हैं आगे चला, तो आगे चलते हैं, तो थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्योंकि अंधेरा होने वाला है। मैगी बन की बिल्कुल टेंशन नहीं। भाई ऑफ रोड देखो यार, तो वैसे ना यार यहाँ से हमेशा पानी बह के आता है और इस जगह पे पूरा पानी होता है, बट आज नहीं है। मौसम देखो है ना बिल्कुल क्लियर। अब यहीं बैठते हैं साइड पे, इधर बैठना, यहाँ बैठे ये ठीक है आगे है ना। चलो बाइक लगाते हैं यहाँ पे और यहीं बैठ के थोड़ा चिल करते हैं। तो फाइनली दोस्तों पहुंच चुके हम चिनाब दरिया के पास। व्यू चेक करो यार एक बार यहाँ का आप, तो देख लो ये हमारा शुभम भैया, ये हमारा बैग है, बैग से भी सारा सामान निकालते हैं। तो चलो पहले सारा सेटअप करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं, ठीक है? सामान निकाल दो मुझे पहले, ठीक है? हाँ तो भाई लोग, ये स्टोव सेट हो चुका है, तो वहाँ पे हमने कोल्ड ड्रिंक रख दी हुई है क्योंकि ठंडी रहेगी। और चलो पहले एक दो रील निकाल लेते हैं इंस्टाग्राम के लिए, स्टोरी वगैरह, और फिर अपनी मेकिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो सेटअप रेडी है, मैगी आज बनाएंगे हमारे शुभम भैया, आज इनके हाथ की मैगी खाएंगे हम, ठीक है?
बाकी व्यू चेक करो यार एक बारी। लो भाई लोग, प्रक्रिया हमारी शुरू हो चुकी है। पहले इसको हल्का सा साफ कर लेते हैं। यहाँ पे मच्छर भी है थोड़ा बहुत यार, तो कोई सीन नहीं। बेटा जी, हमारी रसोई में आपका स्वागत है। हाँ, ये हमारी गांव की रसोई। तो शुभम भैया नया चैनल खोलने वाले हैं, शुभम किचन। तो मैगी अभी हमने बनने लगा दी हुई है, बन रही है। देख लो, नीचे स्टोव भी चल चुका है। बाकी यार सच बोलूँ, मेरे को अब तक ये वर्थ परचेज लगती है मुझे अपनी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सही है यार। बाहर जाओ, मसाला डालो, व्लॉग बाद में करना, मसाला डालो। ये मैगी बनाने आए हुए हैं, सब कुछ लाया हुआ, मसाला बनाओ पहले। वो धो लेंगे, ये लो यार, चलो बनाओ। होना नहीं है यहाँ पे, अपने हाथ ही साड़ने पड़ेंगे यार। ये बड़ा है। क्या तभी तो लिए है, पोर्टेबल कैंपिंग स्टोव। तो फाइनली दोस्तों मैगी बन गई अपनी, और अब भैया करेंगे सर्व प्लेट्स में। सामने अपनी कोल्ड ड्रिंक पड़ी है, और व्यू चेक करो यार एक बार सामने का, यार मज़ा आ रहा है सच बोलूँ। और सबसे ज़्यादा मज़ा हमको इसलिए यहाँ पे आ रहा है क्योंकि ठंडी हवा चल रही है, मज़ा आ रहा है। नहीं और यार, सबसे डिफरेंट ब्लॉग शूट कर रहे हैं हम लोग, आपको मोटो ब्लॉग भी दिख रहा है, साथ साथ आपको एक कैंपिंग भी दिखाई दे रहा है कि हम कहीं पे आके कैंपिंग कर रहे हैं। तो यार मेरे आपसे एक खाली एक रिक्वेस्ट है, नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको इस टाइप के ब्लॉग और चाहिए। अगर तो आपको चाहिए होंगे ना भाई, मैं सच बोल रहा हूँ, पूरा का पूरा सेटअप खरीद लूँगा, बस आपका सपोर्ट चाहिए। अगर आपका सपोर्ट नहीं होगा तो मेरे को भी यार इतना मज़ा नहीं आएगा करने में। तो मैंने फ़िलहाल अभी ये स्टोव लिया स्टार्टअप के लिए, क्योंकि ऐसी जगह पे हम आके कुछ ना कुछ कर सके। अगर आग जलानी हो फिर वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये ठीक है यार, कल ही ब्यूटेन गैस लगाई, स्टोव लगाया, चलो भाई क्लिक करके ऑन, ठीक है। तो चलो भाई अब मैगी इसको यहीं पर रहने देते हैं, और मैगी अपनी इंजॉय करते हैं, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक मेरी क्या है? अच्छा मेरी फैंटा, फैंटा लिमका जो भी है। चलो भाई मैगी आइए बैठिए सर। मैगी डाइट कोक लिमका एंड दिस व्यू। तो यार अभी मैगी खा रहे थे, और सच बोलो मैगी टेस्ट बनी है, मज़ा आ रहा खाने का भी। अर्जुन बोल रहा था कि मैगी का स्वाद नहीं होगा क्योंकि ये दूसरी आटे वाली है। मैंने कहा भाई बनाने वाले पे डिपेंड करता है कि आप इस तरह से बना रहे हो। तो ये चीज़ आप जब भी ट्राई करोगे ना, आपको मज़ा ही आएगा, आपको भी आएगा, और उससे कई ज़्यादा गुना हमको भी आएगा, ठीक है।